बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम इन ऑक्सफोर्ड इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल। स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन द इनहेरिटर्स, लेसन नंबर 17 एंड लेक्चर नंबर 2। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। डज ही गिव यू एनी मिल्क, आस द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या वो तुम्हें दूध देता है? नो, नहीं। Then you are a fool. फिर तुम एक बेवकूफ हो। You look after the cow and feed her and your brother gets all the milk. तुम गाय की देखभाल करते हो और इसे चारा खिलाते हो और तुम्हारा भाई सारा दूध हासिल कर लेता है। But what can I do? Sat Mozum helplessly. मौजम ने बेबसी से कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? This is all according to the agreement between us. ये तमाम इस माहदे के मुताबिक है जो हमारे दरमियान हुआ। Come here and listen to me, the old man whispered something in his ear. इधर आओ, मेरी बात सुनो, बूढ़े ने इसके कान में कुछ सरगोशी की। Next morning, as usual, Azam began to milk the cow. हस्बे मामूल अगली सुबह आजम गाय का दूध दोने लगा। मौजम also came with a short stick and hit the cow's head. मौजम एक छोटी सी छड़ी के साथ आ गया और गाय के सर पर मारने लगा। The cow moved this way and that. गाय इधर उधर हिलने लगी। Stop it, shouted Azam. Don't you see I'm milking the cow? Don't disturb her. आजम चिल्लाया, रुक जाओ, क्या तुमको नज़र नहीं आता कि मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ? इसे तंग मत करो। I'm only hitting the front part, which is mine, said Mozum. मौजम ने कहा कि मैं सिर्फ अगले हिस्से को मार रहा हूँ जो कि मेरा है। I shall do what I like with my part of the cow. गाय का जो हिस्सा मेरा है, इसके साथ जो मैं चाहूँ करूँ। आजम was a clever boy, so he guessed that somebody had advised Mozum to do that. आजम चलाक लड़का था, इसने अंदाज़ा लगा लिया कि किसी ने मौजम को ऐसा करने का मशवरा दिया है। All right, I shall give you half the milk and now stop beating the cow. ठीक है, मैं तुम्हें आधा दूध दूंगा, अब गाय को मारना बंद करो। And you must also share in the feeding of the cow, said Mozum. And Azam had to agree to this. मौजम ने कहा, तुम्हें गाय को खिलाने पिलाने में भी हिस्सा लेना होगा, और आजम इस पर रजामंद हो गया। After a few days, Azam climbed the date palm tree to pick ripe dates. चंद दिनों के बाद आजम पकी हुई खजूरें तोड़ने के लिए खजूर के दरख्त पर चढ़ा। He had hardly collected a handful of dates when he heard the sound of an axe striking the tree. अभी इसने मुट्ठी भर खजूरें इकट्ठी की होंगी कि आजम ने कुल्हाड़े के दरख्त से टकराने की आवाज़ सुनी। He looked and saw Mozum was cutting the trunk of the tree with an axe. और इसने झांका और देखा कि मौजम एक कुल्हाड़े से दरख्त का तना काट रहा है। Hey, what are you doing? Shouted Azam. Azam चिल्लाया, ए तुम क्या कर रहे हो? Don't you see I'm up here picking dates? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं ऊपर खजूरें तोड़ रहा हूँ? I'm only cutting my part of the tree, said Mozum and went on cutting. मौजम ने कहा, मैं सिर्फ अपना हिस्सा काट रहा हूँ और काटता ही रहा। I shall give you half of the dates, but you must stop cutting the tree. Called out Azam. आजम ने चीख कर कहा, मैं तुम्हें आधी खजूरें दूंगा, लेकिन तुम्हें दरख्त को काटना बंद करना होगा। And you must also share in the watering of the tree, shouted Azam. And Azam had to agree to this too. मौजम चिल्लाया, और तुम्हें दरख्त को पानी देने में भी हिस्सा लेना होगा। और आजम को इस पर भी राजी होना पड़ा। The same night, when Azam came to take the blanket, he found that it was wet. इसी रात जब आजम कंबल लेने आया, इसने देखा कि वो भीगा हुआ था। What have you done with the blanket? He asked. How can I sleep under it? इसने पूछा, तुमने कंबल को क्या किया है? मैं इसके नीचे कैसे सो सकता हूँ? I don't know, answered Mozum innocently. It's mine during the daytime and I can do with it what I please. मौजम ने मासूमाना जवाब दिया, मैं नहीं जानता, ये दिन के वक्त मेरा होता है और मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। Very well, dear brother. From tomorrow night we shall share the blanket, said Azam. We shall sleep together and shall be more comfortable. आजम ने कहा, प्यारे भाई ठीक है, कल रात से हम कंबल में हिस्सेदार होंगे, हम एक साथ सोएंगे और ज़्यादा आराम से रहेंगे। So it's student, it's all about today. Your home task is learn and write question number 5 to 16 in your practice register. Allah Hafiz.